अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ताहिर और आज के इस लेक्चर में हम फंक्शंस ऑफ माइटोकांड्रिया को देखेंगे। माइटोकांड्रिया परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। माइटोकांड्रिया कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है थर्मोजेनेसिस। नेक्स्ट हम देखें प्रोटीन सिंथेसाइज, देन देखें सिंथेसाइज ऑफ स्टीराइड हार्मोन, नेक्स्ट देखें यूरिया साइकिल, कैल्शियम एक्युमुलेशन, एनर्जी सप्लाई और सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये चंद एक फंक्शंस हैं जो माइटोकांड्रिया परफॉर्म करता है। अब हम देखेंगे इनको एलैबोरेटिव वे में, एक एक फंक्शन को हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है थर्मोजेनेसिस। ये थर्मोजेनेसिस क्या होता है अगर हम इसकी बात करते हैं, इन यंग मैमल्स एंड हाइबरनेटिंग मैमल्स सच एज बैट देयर इज अ स्पेशल टिश्यू इन चेस्ट रीजन। के जो यंग मैमल होते हैं या हाइबरनेटिंग मैमल्स होते हैं सच एज बैट, इनके चेस्ट के ऊपर एक स्पेशल टाइप के टिश्यूज मौजूद होते हैं। इट इज कॉल्ड ब्राउन फैट और ये कहलाते हैं ब्राउन फैट। अब इनका काम क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ एक्सटेंसिव वेस्कुलराइजेशन एंड न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। कि इसके अंदर बहुत ज्यादा वेस्कुलराइजेशन मौजूद होती है, वेसिकल्स मौजूद होते हैं, वेस्कुलर नालियां मौजूद होती हैं एंड न्यूमरस माइटोकांड्रिया और बहुत ज्यादा तादाद में माइटोकांड्रिया मौजूद होते हैं। इट्स फंक्शंस एज ऑटोमेटिक फ्रांसिस एंड जनरेट इनॉर्मस हीट। के इसका काम जो होता है ये ऑटोमेटिक फ्रेंस के तौर पे काम करता है और बहुत ज्यादा मिकदार में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, बहुत ज्यादा मिकदार में हीट प्रोड्यूस करता है। हियर माइटोकांड्रिया आर कंसर्न विद रिलीज द हीट रेदर देन सिंथेसाइजिंग एटीपी। और माइटोकांड्रिया का ये काम भी होता है कि ये हीट एनर्जी रिलीज करता है बनिस्बत के वो एटीपी सिंथेसाइज करे। एटीपी सिंथेसाइज करने के अलावा भी वो हीट एनर्जी जो है वो रिलीज करता है। प्रोटीन सिंथेसाइज और इसका काम क्या होता है कि ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। और अच्छा, यहाँ पे एक और बात बताता चलूं कि यहाँ पे हीट एनर्जी जो है ये क्यों रिलीज की जाती है। इसका मकसद ये होता है कि ऐसे जानदार जो अपना जो बॉडी टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंट के हिसाब से मेंटेन नहीं कर पा रहे होते, ये तो ये टिश्यू क्या करते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा तादाद में माइटोकांड्रिया मौजूद हैं, वो एनर्जी रिलीज करते हैं और उसी एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर और इन्वायरमेंटल टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। माइटोकांड्रिया कंटेन डीएनए, के माइटोकांड्रिया के अंदर डीएनए मौजूद होता है जिसको हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया। अबाउट 5 to 10% ऑफ प्रोटीन्स ऑफ माइटोकांड्रिया आर सिंथेसाइज्ड बाय माइटोकांड्रियल जीन। के माइटोकांड्रिया के अंदर जो प्रोटीन होती है वो 5 to 10% जो होती है वो माइटोकांड्रियल जीन से ही सिंथिसाइज की जाती है। माइटोकांड्रियल जीन ही उनको इंफॉर्मेशन देते हैं, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स देते हैं जिनके थ्रू जो है वो प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं। माइटोकांड्रिया सिंथेसाइज सब यूनिट ऑफ एटीपी। इसके माइटोकांड्रिया एटीपी के सब यूनिट को भी सिंथेसाइज करता है। पोर्शंस ऑफ रिडक्टेजेस एंड 3 सब यूनिट्स ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। और ये जो सब यूनिट्स हैं माइटोकांड्रिया जो एटीपी के सब यूनिट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो कुछ पोर्शंस हैं जो हैं वो रिडक्टेज के हैं और जो 3 सब यूनिट्स हैं वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के हैं। कि ये जो है ये भी माइटोकांड्रिया ही सिंथेसाइज करता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि माइटोकांड्रिया कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसमें हमने देखा कि उसने थर्मोजेनेसिस के लिए हीट एनर्जी प्रोड्यूस की, उसके अलावा प्रोटीन को प्रोड्यूस किया और उसके अलावा हमने ये देखा के ये जो है वो सब यूनिट ऑफ एटीपीज भी प्रोड्यूस करता है जिनमें हम पोर्शन ऑफ रिडक्टेज हैं और उसके अलावा 3 सब यूनिट्स ऑफ साइटोक्रोम्स ऑक्सीडेज हैं। नेक्स्ट देखें तो सिंथेसाइज ऑफ स्टीराइड हार्मोन। के सिंथेसाइज ऑफ स्टीराइड हार्मोन किस तरह से होते हैं, किस तरह से स्टीराइड हार्मोन को प्रोड्यूस किया जाता है। द अर्ली स्टेप इन कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रोल टू स्टीराइड हार्मोन इन एड्रिनल कॉर्टेक्स आर कैटलाइज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम। के क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रोल को स्टीराइड हार्मोन में
कन्वर्ट किया जाता है तो उसकी कन्वर्जन के अंदर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम ही काम कर रहे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं और वो कोलेस्ट्रोल को स्टीराइड हार्मोन में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये कन्वर्जन कहाँ पे होती है, अगर लोकेशन की बात करते हैं तो वो एड्रीनल कॉर्टेक्स में होती है, जो आउटर कवरिंग ऑफ किडनी होता है। नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप है या सेकंड फंक्शन है वो हमारे पास है यूरिया साइकिल। ये यूरिया साइकिल क्या होता है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल है। इन यूरिया साइकिल यूरिया आर सिंथेसाइज, कि यूरिया साइकिल के अंदर यूरिया को सिंथेसाइज किया जाता है। यूरिया को अगर हम देखें तो ये जो है एक वेस्ट, जो बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का एक बहुत अच्छा वे है, एक तरीका है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिया साइकिल दैट इज द कन्वर्जन ऑफ ऑर्निथिन टू सिट्रोलिन अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। कि जो फर्स्ट स्टेप है यूरिया साइकिल का वो ये है कि ऑर्निथिन को सिट्रोलिन के अंदर कन्वर्ट करना, और ये पहला स्टेप ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो यहाँ पे भी हमें ये चीज नजर आई कि यूरिया साइकिल का जो स्टार्ट है, जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। ये हो गया इसका सेकेंड फंक्शन। देन हम थर्ड फंक्शन की बात करते हैं तो कैल्शियम अकेमुलेशन है। कि कैल्शियम अकेमुलेट कहाँ पे करती है, कैसे करती है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज द अकेमुलेशन ऑफ केटाइन्स सच एज कैल्शियम। कि इसका सबसे अहम फंक्शन ये है कि ये केटाइन सच एज कैल्शियम को अकेमुलेट करता है, इकट्ठा करता है। कैल्शियम कैन बी अकेमुलेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया सेवरल हंड्रेड टाइम देन नॉर्मल वैल्यू। कि क्या होता है कि जो कैल्शियम होता है इसकी अकेमुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये सेवरल हंड्रेड टाइम देन नॉर्मल, कि ये कई सौ गुना तक जो है वो क्या करता है, अकेमुलेट हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगर हम नॉर्मल कंडीशन में देखें तो नॉर्मल कंडीशन से ये कई गुना, कई सौ गुना ज्यादा अकेमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फॉस्फेट कैन आल्सो इंटर अलोंग विद कैल्शियम, दिस प्रोसेस यूजुअली अकर इन द ऑस्टियोब्लास्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बोन, ऑस्टियोब्लास्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बोन। कि फास्फेट भी ऑस्टियोब्लास्ट के मतलब जब बोन सेल बन रहे होते हैं तो उसके अंदर जो एक्युमुलेशन ऑफ कैल्शियम होती है वो भी इसी माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही हो रही होती है। अगर हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं तो वो है हमारे पास एनर्जी सप्लाई। माइटोकॉन्ड्रिया आर द एनर्जी प्लांट ऑफ सेल। के एक हमने इसको माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहा था, एनर्जी प्लांट भी कह सकते हैं। कि वो पॉइंट, वो जगह जहां पे एनर्जी प्रोड्यूस हो, एनर्जी सप्लाई। माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज द एनर्जी रिच कंपाउंड सच एज एटीपी। के माइटोकॉन्ड्रिया का काम जो होता है वो एनर्जी को प्रोड्यूस करना होता है, और ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस करना होता है जो बॉडी के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो सके, और जो इस्तेमाल होगी तो उसको एक शेप के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, एक करेंसी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है जिसे हम एटीपी कहते हैं। और एटीपी एब्रीवेशन है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। इट is store inside the mitochondria। और ये जो ATP होती हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही स्टोर होती हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये ATP का स्टोरेज है, एक ऐसी जगह जहां पे ATP स्टोर होती है। When a site is in need of energy, mitochondria get collected around the site। कि जिस जगह पे एनर्जी जरूरत होती है, ज्यादा एनर्जी जरूरत होती है तो उस जगह के ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया जाके उस जगह को घेर लेते हैं, वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं ताकि जो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी है उसको फुलफिल किया जा सके, पूरा किया जा सके। द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कॉन्ट्रैक्ट एंड सिक्वीज आउट एटीपी। के माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन कॉन्ट्रैक्ट करती है, सुकड़ती है और एटीपी को रिलीज कर देती है, उस जगह पे रिलीज करती है जहां पे एटीपी की जरूरत होती है।
माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन हाई कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड. के माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो एक्टिव साइट के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब कंसंट्रेशन में मौजूद होती है, बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद होती है, पाई जाती है. उसकी वजह ये कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा एनर्जी जरूरत होती है कि उसने क्या करना होता है कि जो मटेरियल होता है आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ट्रांसपोर्ट करनी होती है. दिस हैपन इन किडनी सेल, के ये जो है वो किडनी सेल के अंदर ही अक्कर होता है. नेक्स्ट हमारे पास जो है फंक्शन है वो है सेल रेस्पिरेशन. कि सेल की रेस्पिरेशन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का क्या किरदार है. माइटोकॉन्ड्रिया आर द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ सेल. के रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ सेल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है. कि रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही होती है. दे ब्रिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ वेरियस फूड स्टफ सच एज कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन. के ये क्या करता है, डिफरेंट फूड स्टफ की जो है वो रेस्पिरेशन करता है, ऑक्सीडेशन करता है. लाइक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं और प्रोटीन है. ये जो है ये हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं और इन न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीडाइज करके इनको तोड़ के एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं. और वो जो सारा काम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही होता है. ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन द फूड स्टफ आर डिग्रेडेड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी. के क्या होता है कि उस फूड पार्टिकल्स को, उन न्यूट्रिएंट्स को डिसॉल्व करके तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और उसके साथ ही एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उस एनर्जी को फिर यूटिलाइज किया जाता है. अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, The energy is utilized by mitochondria for the synthesis of energy-rich compounds such as ATP. कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए, इस्तेमाल करते हुए कंपाउंड रिच, जो रिच एनर्जी कंपाउंड है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी होता है उसके अंदर कन्वर्ट कर देता है. एज माइटोकॉन्ड्रियन सिंथेसाइज द रिच एनर्जी कंपाउंड इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल. इस वजह से हम इसको जो है वो पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सेलुलर रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप. ग्लाइकोलाइसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, डी कार्बो कार्बोक्सिलेशन. उसके अलावा नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्रिप साइकिल है. नेक्स्ट देखें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है. देन हम देखें तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है. तो ये थे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के डिफरेंट फंक्शंस. और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें. और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं.